बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, महक राशिद एंड माय टॉपिक इज पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स। वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। इन द पास्ट, कनेक्टिंग डिवाइसेस टू योर कंप्यूटर आर एट ईज व्हेन वी ओनली यूज द कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर एंड प्रिंटर्स, बट नाउ वी हैव टू डील विद यूएसबी, फायरवॉल, नेटवर्क जैक्स एंड एन असॉर्टमेंट ऑफ ऑडियो एंड वीडियो connections. As we know that we are living in the world of the new technology, every day comes with new technology. In past we deals with PS2 ports which we will use in mouse and keyboards and monitors and in printers, and in present we deal with USB which includes HDMI ports, FireWire, network jacks, which we will discuss in this presentation. As in the figure, simple PC with only mouse, keyboard and printer, new types of connectors for new devices. As technology grew, USB are the most popular ports. On computer, a port is generally a specific place for being physically connected to some other device, usually with a socket or plug which we call connectors. Port हमारे पास एक specific place होता है जिसे हम physically connect कर सकते हैं किसी भी device के साथ with the help of a socket, प्लग, जिसे हम कनेक्टर्स भी कहते हैं. जैसा कि हमारे पास फिगर में शोन है, PS2 ports keyboard, PS2 ports mouse, जो कि एक ओल्ड टेक्नोलॉजी के लिए ओल्ड टेक्नोलॉजी में यूज़ होते थे. यूएसबी पोर्ट्स जो हम जिनके साथ हम प्रेजेंट में डील करते हैं, ईथरनेट पोर्ट्स, सीरियल पोर्ट, LPT1 प्रिंटर जो कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स में यूज़ होता है, प्रिंटर्स में VGA पोर्ट, मॉनिटर है, LED, स्पीकर्स, लाइनिंग, माइक्रोफोन, गेम पोर्ट जो कि जॉयस्टिक के लिए होता है. व्हाट आर कनेक्टर्स? A connector is any connector used within the computers or to connect computers to the networks, printers or other devices. Connector के हमारे पास ऐसा connector होता है जिसे हम use करते हैं computers के अंदर connect करने के लिए किसी network के साथ, printing के साथ, devices के साथ, कोई भी चीज़ को हम connect करना चाहते हैं computer, network, printers के साथ, उसके लिए हम connectors का use करते हैं. As It is shown that there are many types of computer connectors. इस इमेज में बहुत सारे कंप्यूटर कनेक्टर्स हैं जिनकी हेल्प से हम नेटवर्क, प्रिंटर्स और बहुत सारी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. कनेक्टर, द PS2 कनेक्टर, द PS2 कनेक्टर आर यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कीबोर्ड एंड माउस ऑन द मॉडर्न PCs. द PS2 माउस कनेक्टर एंड पोर्ट इज यूजुअली ग्रीन इन कलर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम द PS2 कीबोर्ड व्हिच इज पर्पल. फर्स्ट ऑफ ऑल द PS2 पोर्ट्स आर यूज्ड इन ओल्ड एजेस. इन नाउ वी डोंट यूज PS2 कनेक्टर्स. PS2 कनेक्टर्स बेसिकली एक ऐसे कनेक्टर्स होते हैं जिनको हम कीबोर्ड और माउस के कनेक्शन के लिए यूज़ करते हैं. PS2 माउस कनेक्टर में जो हमारे पास पोर्ट होता है वो ग्रीन इन कलर होता है, और जो हमारे पास कीबोर्ड के लिए होता है वो पर्पल इन कलर होता है, जो कि हमारे पास फिगर में इमेज में शोन है कि एक ग्रीन है जो कि हम माउस के लिए यूज़ करते हैं, और पर्पल हम कीबोर्ड के लिए यूज़ करते हैं. USB port. USB stands for Universal Serial Bus, a protocol for transferring data to and from digital devices. Many digital cameras and memory card readers connect to the USB port on a computer. ये हमारे पास एक ऐसा protocol है जिससे हम data transfer कर सकते हैं digital devices में, और उन digital devices में बहुत सारे आते हैं, for example memory card readers, Bluetooth, USB, स्पीकर, वायरलेस, USB कार्ड, USB. नाउ ऑन दिस पोर्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट. USB पोर्ट इज वेरी पॉपुलर. इसकी हमारे पास इमेज में शोन है USB पोर्ट. FireWire IEEE 1394 पोर्ट, अ टाइप ऑफ केबलिंग टेक्नोलॉजी फॉर ट्रांसफरिंग डेटा टू एंड फ्रॉम डिजिटल डिवाइसेस एट हाई स्पीड. फायरवायर आर टिपिकली फास्टर देन दोज दैट कनेक्ट वियर USB. ये हमारे पास एक ऐसी केबलिंग टेक्नोलॉजी है जिससे हम डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं
डिफरेंट डिजिटल डिवाइसेस में हाई स्पीड पर। डिजिटल डिवाइसेस में आती हैं यूएसबी, ब्लूटूथ स्पीकर्स, मेमोरी कार्ड रीडर्स एक्सेट्रा। फायरवायर आर टिपिकली फास्टर। फायरवायर जो हमारे पास होते हैं वो फास्टर होता है यूएसबी से। इट इज़ अ हाई स्पीड कम्युनिकेशन पोर्ट, आई सिंक्रोनाइज रियल टाइम डेटा ट्रांसफर। और हमारे पास इमेज में बस शोन है फायरवायर पोर्ट। RJ45 ईथरनेट पोर्ट। LAN stands for local area network that uses a Cat5 cable and a RJ45 connection. The Cat5 cable is also called the ethernet cable. जो हमारे पास ईथरनेट पोर्ट होता है वो कंप्यूटर में होता है, और जो हमारे पास RJ45 कनेक्टर होता है या Cat5 केबल होता है हम उससे कनेक्ट करते हैं अपने मॉडम के साथ, और ईथरनेट पोर्ट को हम अपने सिस्टम के साथ कनेक्ट करते हैं जिसे हम ईथरनेट केबल भी कहते हैं। जितने भी हमारे पास आजकल नेट इंटरनेट की वायर्स हैं, कनेक्शन है, वो सारे RJ45 है, जो कि हम मोस्ट कॉमनली अपने घरों में भी यूज करते हैं। नेटवर्क कनेक्शन जनरली यूजेस आर 10/100 Mbps स्पीड्स। दिस मीन्स इट हैज टू डिफरेंट स्पीड्स, 10 Mbps एंड 100 Mbps। जो हमारे पास नेटवर्क कनेक्शन है उसकी 10/100 Mbps स्पीड है, मीन्स उसकी दो डिफरेंट स्पीड्स है, 10 भी है और 100 Mbps भी है। उसके बाद 5 पैरेलल पोर्ट। द प्रिंटर कनेक्ट्स टू योर कंप्यूटर विद अ पैरेलल कनेक्टर। दिस कनेक्टर हैज 25 पिंस। पैरेलल मीन्स द डिवाइस इज कैपेबल ऑफ रिसीविंग मोर देन वन बिट एट अ टाइम। द DB25 पोर्ट इज यूज फॉर डॉट matrix printers. It is also an old technology. Nowadays we don't use DB25 parallel ports because it is an old technology. Figure mein hamare paas DB25 parallel ports dikhaye gaye hain, aur in connectors mein hamare paas 25 pins hoti hain, aur ye parallel connect hote hain printers ke sath. Logic data communications, power connection जो 230 होता है, बस कीबोर्ड पोर्ट, माउस पोर्ट, जो कि एक ओल्ड टेक्नोलॉजी है जो PS2 पोर्ट्स में यूज़ होती है। ऑडियो कनेक्शन पर स्पीकर्स आ सकते हैं, माइक्रोफोन आ सकता है। मॉनिटर पोर्ट, हमारे पास LED VGA पोर्ट है, USB पोर्ट, जो आजकल के दौर में, आजकल की टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। फाइबर पोर्ट जो कि बहुत ज़्यादा फास्टेस्ट हैं और बहुत हाई स्पीड में डेटा ट्रांसफ़र करते हैं। नेटवर्क पोर्ट है, हमारे पास स्पीकर एंड माइक्रोफोन कनेक्शंस हैं, फोन लाइन कनेक्शंस हैं। पोर्ट्स एंड कनेक्टर्स, अ पोर्ट इज द पॉइंट एट विच अ पेरिफेरल अटैचेस टू और कम्युनिकेट्स विद अ सिस्टम यूनिट, समटाइम्स रेफर्ड टू एज अ जैक। पोर्ट हमारे पास एक ऐसा पॉइंट है जिसमें हमारे पास बहुत सारी पेरिफेरल डिवाइसेस अटैच होती हैं। पेरिफेरल डिवाइसेस में फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, स्कैनर्स, हार्ड डिस्क, ये सब हमारे पास इंक्लूड होता है। अ कनेक्टर जॉइंस अ केबल टू अ पोर्ट। कनेक्टर बेसिकली जो हम जिसे हम यूज़ करते हैं कनेक्ट करने के लिए अपने कंप्यूटर के साथ, नेटवर्क के साथ, प्रिंटर्स के साथ, किसी भी डिवाइस के साथ। इसमें इस फिगर में हमारे पास बिल्ट इन मेमोरी कार्ड रीडर्स हैं, माइक्रोफोन पोर्ट है, हेडफोन पोर्ट है, कीबोर्ड पोर्ट है, माउस पोर्ट है, डिजिटल ऑडियो पोर्ट है, डिजिटल ऑडियो इन पोर्ट है, सीरियल पोर्ट है, फायरवायर पोर्ट है, यूएसबी पोर्ट, फायरवायर साइड सराउंड साउंड पोर्ट है, माइक्रोफोन पोर्ट, स्पीकर पोर्ट, DVI पोर्ट, HDMI पोर्ट, रियर साउंड सराउंड साउंड पोर्ट है, ऑडियो इन पोर्ट है। जो हमारे पास VGA, DVI और HDMI पोर्ट हैं, सारे सेम हैं। ब्लूटूथ पोर्ट। ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी यूजेस रेडियो वेव्स टू ट्रांसमिट डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस, हैव टू बी विद इन अबाउट 33 feet टू ईच अदर, कंटेन अ स्मॉल चिप दैट अलाउस देम टू कम्युनिकेट विद अदर ब्लूटूथ इनेबल्ड कंप्यूटर्स और डिवाइसेस। ब्लूटूथ हेडसेट्स अलाउ स्मार्टफोन यूजर्स टू कनेक्ट देयर टेलीफोन टू अ हेडसेट वायरलेसली। Bluetooth wireless port adapter that will convert an existing USB port into a Bluetooth port.
Bluetooth PC cards and express card modules include traditional notebook computers and tablet PCs. Bluetooth cards, for example, smartphones and PDAs. Bluetooth port हमारे पास एक ऐसी technology है जिसमें हम radio waves use करते हैं data transmit करने के लिए दो devices के दरमियान. Bluetooth technology से हम कोई भी audio, images, videos send कर सकते हैं, transmit कर सकते हैं. Have to be within about 33 feet to each other. अगर हमें इस technology को use करना है तो हमें 33 feet each other होना चाहिए. Contain a small chip that allows them to communicate with other Bluetooth enabled computer और devices में एक small chip होती है जो हमें allow करती है कि हम Bluetooth enabled computer के साथ communicate कर सकें, जो कि Bluetooth के साथ connect उनके साथ communicate कर सकें. जो हमारे पास Bluetooth headsets होते हैं वो smartphones को allow करते हैं कि वो wirelessly connect हो सकें. Bluetooth wireless port adapters जो होते हैं वो existing USB port को convert कर देते हैं Bluetooth port के अंदर. जो Bluetooth PC cards होते हैं express का वो traditional notebook computers होते हैं या हमारे पास tablet PCs होते हैं. Bluetooth cards में हमारे पास बहुत सारी examples आती हैं, for example smartphones and PDAs. हम इजीली कोई भी चीज सेंड कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ द ऑडियो, वीडियो, इमेजेस. इस इमेज में हमारे पास फायरवेयर शो है, वीडियो आउट, डीसीएन, यूएसबी की शो है, आरसीए, पावर कोड. ऑन अ नोटबुक कंप्यूटर द पोर्ट्स आर ऑन द बैक, फ्रंट एंड और साइड्स. नोटबुक कंप्यूटर के हमारे पास जो पोर्ट्स होते हैं वो बैक में भी होते हैं, फ्रंट में भी होते हैं और साइड्स में भी होते हैं. जैसा कि इस इमेज में शोन है कि एक लैपटॉप में उसकी बैक भी है, की भी है, पोर्ट्स बने हुए हैं, फ्रंट में भी हैं, साइड में भी हैं. ऑडियो इन, जिसमें हमारे पास ऑडियो इन भी है, ऑडियो आउट भी है, मॉडर्न पोर्ट भी है, नेटवर्क पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, एक्सप्रेस कार्ड मॉड्यूल स्लॉट भी है, मेमोरी कार्ड स्लॉट, एचडीएमआई पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, सीरियल पोर्ट. पोर्ट टाइप्स आती है हमारे पास. इस टाइप में हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं, ऑडियो इन, एचडीएमआई, सीरियल, केबल टीवी, हेडफोन्स, कीबोर्ड, माइक्रोफोन, मॉनिटर, माउस, जो कि हम सब इसमें डिस्कस कर चुके हैं. A USB port can connect up to 127 different peripherals together with a single connector. USB port जो हमारे पास होता है वो 127 different peripherals को together connect करता है, वो भी एक single connector में. और peripherals में हमारे पास including क्या होते हैं, printers होते हैं, scanners होते हैं. You can attach multiple peripherals using a single USB port with a USB hub. हम मल्टीपल पेरिफेरल्स को अटैच कर सकते हैं सिर्फ एक सिंगल यूएसबी पोर्ट के साथ विद द हेल्प ऑफ अ यूएसबी हब. यूएसबी कनेक्टर्स एंड पोर्ट्स, इसमें हमारे पास टाइप ए है जो कि यूज्ड होती है डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर्स में. जो हमारे पास टाइप बी होती है वो पेरिफेरल्स में यूज होती है, फॉर एग्जांपल प्रिंटर्स, स्कैनर्स, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क. मिनी बी हमारे पास यूज होती है मोबाइल डिवाइसेस में, कैमरा फोन्स, हैंडहेल्ड, गेम कंसोल. अदर टाइप्स ऑफ पोर्ट्स इंक्लूड फायरवेयर पोर्ट, ब्लूटूथ पोर्ट, एससीएसआई पोर्ट, ईएसआईटा पोर्ट, IRDA port, serial port, MIDI port. A Bluetooth wireless port adapter converts a USB port into a Bluetooth port. जो हमारे पास Bluetooth wireless port होता है adapter, वो convert कर देता है USB port को Bluetooth port में. A smartphone might communicate with a notebook computer using an IRDA port. स्मार्टफोन को हम कनेक्ट कर सकते हैं नोटबुक कंप्यूटर के साथ एक विद द हेल्प ऑफ द IRDA पोर्ट. जैसा कि इस फिगर में हमारे पास शोन है कि हमारे पास एक नोटबुक कंप्यूटर है, IRDA पोर्ट है और स्मार्टफोन है जिसे हम कनेक्ट कर सकते हैं. हमारे पास आता है पोर्ट रेप्लिकेटर. A port replicator is an external device that provides connections to peripherals through ports built into the device. Port replicator हमारे पास एक external device है जो extra हमें connection provide कर सकती है ताकि हम अपनी peripherals को
कनेक्ट कर सकें, बिल्ड कर सकें उस डिवाइस में। पेरिफेरल्स में बस प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क, एक्सटर्नल डिवाइसेस आती हैं। आर डॉकिंग स्टेशन इज एन एक्सटर्नल डिवाइस दैट अटैचेस टू अ मोबाइल कंप्यूटर और डिवाइस। डॉकिंग स्टेशन हमारे पास एक ऐसी एक्सटर्नल डिवाइस है जो कि जिसके जो हमारे पास यूज़ होती है मोबाइल को अटैच करने के लिए किसी कंप्यूटर को या डिवाइस को। जैसा कि हमारे पास इस फिगर में शोन है कि एक डॉकिंग स्टेशन है जिसे हम अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, मोबाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, किसी भी डिवाइस के साथ। इसमें हमारे पास पैरेलल पोर्ट्स शोन है, यूएसबी पोर्ट्स शोन है और सीरियल पोर्ट। पोर्ट कंसीडर टू बी वन ऑफ द मोस्ट बेसिक एक्सटर्नल कनेक्शंस टू अ कंप्यूटर। द सीरियल पोर्ट हैज बीन एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ मोस्ट कंप्यूटर्स फॉर मोर देन 20 ईयर्स। Although many of the newer systems have done away with the serial port completely in favor of USB connections, most modems still use the serial port, as do some printers, PDAs, and digital cameras. Few computers have more than two serial ports. सीरियल पोर्ट एक इंटेग्रल पार्ट है कंप्यूटर का जिसे हम 20 ईयर्स फॉर मोर देन जो कि 20 ईयर्स से ज़्यादा होता है। और जो हमारे पास यूएसबी है वो आजकल हम ज़्यादा यूज़ करते हैं एज़ कम्पेयर टू सीरियल पोर्ट्स। पर सीरियल पोर्ट्स कंपनीज में यूज़ करते हैं मशीन्स में वर्क करने के लिए। उसके बाद फ्यू कंप्यूटर्स हैं मोर देन टू सीरियल पोर्ट्स। सीरियल पोर्ट्स में हमारे पास कुछ कंप्यूटर्स के पास दो सीरियल ports. If you have a printer connecting to your computer, there is a good chance that it uses the parallel port. While USB is becoming increasingly popular, the parallel port is still a commonly used interface for printers. Parallel ports can be used to connect a host of popular computer peripherals, for example printers, scanners, CD burners, external hard drives, IO mega chip, removable drives, network adapters. हमारे पास जो printer connect होता है computer के साथ वो ज़्यादातर एक parallel port होता है, जबकि आजकल के दौर में USB बहुत ज़्यादा popular है, फिर भी हमारे पास parallel port का use है प्रिंटर्स में। पैरेलल पोर्ट्स बहुत सारे पेरिफेरल्स में यूज़ होता है जिन्हें हमारे पास प्रिंटर्स, स्कैनर्स फॉर एग्जाम्पल एक्सेट्रा। यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट्स। द गोल ऑफ USB इज टू एंड ऑल ऑफ दिस हेडेक्स। द यूनिवर्सल सीरियल बस गिव्स यू अ सिंगल स्टैंडर्डाइज ईजी टू यूज वे टू कनेक्ट अप टू 127 डिवाइसेस टू अ कंप्यूटर। जस्ट अबाउट एवरी पेरिफेरल मेड नाउ कम्स इन अ USB वर्जन। अ सैम्पल लिस्ट ऑफ USB डिवाइसेस दैट यू कैन बाय टूडे इंक्लूड्स प्रिंटर्स, स्कैनर्स, माइक, जॉयस्टिक्स, फ्लाइट यॉक्स, डिजिटल कैमराज, वेब कैम्स, साइंटिफिक डेटा एक्विजिशन डिवाइसेस, मॉडेम्स, स्पीकर्स, टेलीफोन्स, वीडियो फोन्स, स्टोरेज डिवाइसेस सच एज जिप ड्राइव्स, नेटवर्क कनेक्शन। कनेक्टिंग अ USB डिवाइस टू अ कंप्यूटर इज सिंपल। यू फाइंड अ USB कनेक्टर ऑन द बैक ऑफ योर मशीन एंड प्लग द USB कनेक्टर इन टू इट। जो हमारे पास USB कनेक्टर है उसमें हम 127 डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। USB आजकल नए से नए वर्जन में आती है जिसे हम यूज़ कर सकते हैं, जिसे हम बाय कर सकते हैं प्रिंटर्स में, स्कैनर्स में, जॉयस्टिक्स में एक्सेट्रा। हम USB डिवाइस को अपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं जो कि या प्लग कर सकते हैं। रेगुलर सॉकेट इज़ अ टिपिकल USB सॉकेट ऑन द बैक ऑफ अ PC। इस फिगर में हमारे पास शोन है कि एक रेगुलर सॉकेट जिससे हम अपने बैक ऑफ द PC में प्लग करते हैं। आर्टिपिकल B कनेक्शन शोन है हमारे पास। आर्टिपिकल USB कनेक्टर जिसे हम A कनेक्शन कहते हैं। एंड ऑफ द प्रेजेंटेशन। थैंक यू।